तो लैपटॉप की कहानी शुरू होती है जी आज से कुछ 10-12 साल पहले, जब मैं गालबन 4 या 5 क्लास में था। मुझे इतना याद है कि मेरे जो प्रिंसिपल थे वो मेरी क्लास में मौजूद थे और मेरे चाचू की इटली से कॉल आई थी उनको कि सर मैं अपने भतीजे को लैपटॉप लेके देना चाह रहा हूँ, तो कौन सा लैपटॉप लेके दूँ। तो उस दिन आई थिंक प्रिंसिपल साहब को एक जोश आया था, जो कि 1 महीने बाद स्कूल में दाखिल हुए थे और क्लासेस का टूर कर रहे थे, और 4 या 5 क्लास के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 या 5 क्लास में था, मुझे याद नहीं पक्का, आई थिंक 4 में था। और उन्होंने टेस्ट लिया था एंड उस टेस्ट में आई डोंट नो व्हाई कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद, खैर इतना ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद मैंने क्यों टेस्ट फेल किया और प्रिंसिपल साहब की नज़रों में अपने आप को क्यों नीचा दिखाया, यानी कि क्यों अपने आप में ही मैं इतना घबरा गया था उस वक्त कि मुझसे वो जो आसान सा टेस्ट था, मुझे याद है, लेकिन मैं वो पास नहीं कर सका। जब कॉल आई अल्लाह की तरफ से, उसी दिन चाचू ने कॉल कर ली, क्योंकि प्रिंसिपल साहब मेरे चाचू के बहुत पुराने दोस्त थे। तो अब मैंने सोच लिया कि भाई ये जो कॉल है ना, ये दुनिया की सबसे बदतरीन कॉल होगी, बिकॉज उस दिन मुझे टेस्ट नहीं आया। उसी दिन प्रिंसिपल साहब को पूरा, मतलब सही सुना रहा हूँ, उस टीचर को जो मेरी क्लास इंचार्ज थी, लेकिन एट द एंड महीने के आखिर पे जो टेस्ट लिया प्रिंसिपल साहब ने, उसमें बच्चा फेल हो गया। एंड उसी दिन चाचू की कॉल आ जाती है कि सर मैं अपने भतीजे को कौन सा लैपटॉप लेके दूँ, जैसे वो फ्रेंडशिप में बात हुई, यार मैं अपने भतीजे को कड़ा लैपटॉप लेके दूँ। एंड देन मेरा लैपटॉप वहीं रह गया, घर आके डांट पड़ी, माम मोम डैड अलहदा डांट, दादी दादा अलहदा डांट, लेकिन लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप पूरी स्टोरी में कहीं नहीं है। लैपटॉप अगर कहीं था तो उस टेस्ट से पहले था, उसके बाद मेरा लैपटॉप खत्म। फिर 2 साल बाद कह रही, बेटा क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे फोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, मेरे बहुत से दोस्तों के पास मोबाइल है। कहा नहीं, तुम्हें मोबाइल भी नहीं मिल सकता, अभी बहुत छोटे हो। भाई 6 या 7 क्लास का बच्चा छोटा नहीं होता, मैं छोटा नहीं था, हाँ शक्ल से थोड़ा मासूम था लेकिन छोटा नहीं था। और फिर 3 साल गुजर गए उसी बात को करते कराते, घसीट घसूट के, जिसे कहते हैं खजल खराब होते, आपका भाई 9th और 10th में पहुंच गया और दोनों क्लासेस को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम मार्क्स में पास किया, जो कि फिर गालियों का सबब बना। मुझे बहुत सी बातें सुननी पड़ी, तुम्हारे लिए मैं लैपटॉप डिज़ाइन कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं बाहर का वीज़ा अप्लाई कराने की सोच रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ ला के स्टडी करवाऊँ, तुम्हारे लिए हम सोच रहे हैं तुम्हें उस स्कूल में पढ़ाएं, तुम्हें उस कॉलेज में दाखिला मिले, तुम्हारे लिए हम ये सोच रहे हैं, पर तुमने क्या किया लड़के? 10th मैट्रिक कम मार्क्स। लड़का फिर बैठा हुआ है, लैपटॉप किधर है, मोबाइल किधर है? कुछ भी नहीं, क्योंकि लड़के ने 10th में मैट्रिक अपना बहुत कम मार्क्स में पास किया है। फिर फर्स्ट ईयर आया, समझाया लड़के, अच्छे मार्क्स अच्छे मार्क्स अच्छे मार्क्स, ठीक है जी, इंजीनियर बना है तुम्हें, ठीक है जी, बाहर जाना है तुम्हें, ठीक है जी, अमेरिका जाके ऑक्सफोर्ड में पढ़ना, ठीक है जी, और लैपटॉप किधर है? लैपटॉप पूरी स्टोरी में फिर नहीं है, लैपटॉप किधर है? किसी को नहीं पता लैपटॉप किधर है, क्योंकि बात 10 साल पहले हो चुकी है, तुझे लैपटॉप भेजना है। लेकिन 4-4 साल के वक्त के बाद एक उस मौके पे फोन आ रहा है जहां पे आपके भाई की कोई ना कोई गलती है, आपके भाई का कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई ब्लंडर है, और उस मौका पे लैपटॉप किधर है? सिर्फ और सिर्फ गालियां हैं और छिड़के हैं और आपके भाई को बातें सुननी पड़ेगी बस। वाल साहब इन्हू ना करिए पढ़ता नहीं, मैं कड़ा कर लगा, ये तो है ही हो गया, यदि पहले पढ़ाई वाल ध्यान कराओ फिर कोई और गल। और आपका भाई फिर क्या सोच रहा है? लैपटॉप किधर है? ओ सॉरी, लैपटॉप किधर है? फिर सेकेंड ईयर तक पहुंच के आपके भाई को वही लेक्चर सुनने पड़े, लेक्चर सुनने पड़े, लेक्चर सुनने पड़े,
दे लेक्चर पे लेक्चर इतने लेक्चर दे दो कि जो आ रहा है वो भी भूल जाए, और वही काम हुआ। समझाया था ना इतने लेक्चर दो। क्रिएटिव माइंड था, यूट्यूब की तरफ ध्यान था, चार चैनल बना के मैंने पहले डिलीट किए हुए, वो सारा उन्हीं दिनों के बाद है जब मेरे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के पेपर्स वगैरह थे। वो दो साल भी मैंने ज़ाया किए, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हुए मेरे अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, आई जस्ट गॉट 70% और 69% आई थिंक। एंड फिर तुम्हें तो दाखिला नहीं मिलेगा, तुम्हें चीन यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल सकता, वो बेगैरत और तुम्हें समझा समझा थक गए हैं, वो पढ़ लो वो पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन तुम तेरा ध्यान ही किसी और तरफ है। भाई साहब बैठे हैं सोच रहे हैं लैपटॉप किधर है, लैपटॉप किधर है। 10 साल पहले ये ख्वाब देखा था, छोटा सा छोटी वो किधर है। खैर 3 माह तक बातें सुनने के बाद ये टॉपिक खत्म हुआ, और फिर एक दिन वो घड़ी आ ही गई कि जब आपके भाई को आई कॉल। उस कॉल में चाचू की प्यार भरी बातें शामिल थी, और उसके बाद मेरा प्यार भरा इमोशनल अटैक शामिल था। एंड देन फाइनली मेरा लैपटॉप डिसाइड हो गया कि ये आएगा ही आएगा पाकिस्तान। एंड थैंक्स टू अंकल अकरम, अंकल अकरम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अंकल अकरम फॉर्म इतनी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आप वहाँ पे सिक्योर रहे। उन्होंने वहाँ से मेरा लैपटॉप उठाया चाचू से और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। थैंक्स टू यू, उनका फैमिली टूर था काफ़ी सालों बाद पाकिस्तान का, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्योंकि मेरा लैपटॉप आज मेरे सामने इस पे क्या आया हुआ है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यह नाउ लुक एट दिस स्प्रे टॉक्स यूट्यूब चैनल। और एक और बात जानते हो कि सेकंड ईयर के बाद आपके भाई को मोबाइल भी मिल गया। इतनी बातें सुनाने का क्या फायदा जब लड़के ने मार्क्स भी नहीं लिए और लड़के को मोबाइल भी मिल गया और लैपटॉप भी मिल गया। तो हमने तो भाई हर तरह एक नतीजा अखज किया कि जो चीज़ जब नसीब में होती है वो तब ही मिलती है, उससे पहले पता नहीं कुदरत 100 बहाने बना लेती है, लेकिन अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो वो मुझे नहीं मिलनी। और आप लोग इस पे अगर यकीन कर लो कि जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है वो आपको नहीं मिल सकती वक्त से पहले। तो यही थी आज की स्टोरी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूँगा, अगर पसंद आया तो आप लोग खुद ऑटोमेटिकली कर ही लोगे। और वो 5,000 वाले इनाम की बात याद रखना, पहले यानी कि 1K सब्सक्राइबर्स पे हम गिव अवे करेंगे, अपने फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर में से कोई एक खुश नसीब होगा जो 5,000 रुपया ले जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए स्प्रे टॉक्स। चार सेट।